हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा रेसिपीज़। आज मैंने बनाया है 5 मिनट में माइक्रोवेव ढोकला। ये ढोकला उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी है जितना कि हम स्टीम करके बनाते हैं। जब हम स्टीम करके बनाते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 15 से 20 मिनट लगता है ढोकला बनाने में। लेकिन अगर हम इसे माइक्रोवेव में बनाएं तो सिर्फ 4 से 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। ढोकला बहुत ही ऐसा स्नैक आइटम है, आप एज अ ब्रेकफास्ट में भी इसे खा सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बनाना तो बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजी इंस्टेंट ढोकला बनाना। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप बेसन लेंगे। जितना हम बेसन लेंगे उसका 1/4 हम इसमें सूजी लेंगे, या मैंने 2 टेबलस्पून सूजी यूज़ की है। इसके बाद हम इसमें 1 कप दही डालेंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप दही की जगह पर नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, लगभग 1 नींबू का रस इसमें आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाएंगे। पानी धीरे धीरे डालें जिससे कि बैटर पतला ना हो, ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखा जाएगा। इस तरीके से हमें इसका बैटर बनाना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ढोकला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, सॉफ्ट होता है तो बच्चे भी बड़े पसंद से इसे खाते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और जिंजर, चॉप किया हुआ हरी मिर्च और अदरक, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्च ना डालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर यूज़ किए मैंने यहाँ पे। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें क्योंकि अभी बैटर काफ़ी गाढ़ा है, तो हम धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते रहेंगे जिससे बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए जो हमें ढोकले के लिए चाहिए। तो अभी ये थोड़ा गाढ़ा है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। इतना बैटर बनाने के लिए लगभग इसमें मेरा 1/4 कप वाटर यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने पहले दही भी डाला था तो उससे भी काफ़ी अच्छे से बैटर बन जाता है। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा ये बैटर बन जाएगा। इसके बाद हमें इसे बेक करना है, तो बेकिंग डिश ले आएंगे हम और इसे हम ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए बैटर की। तो जो भी माइक्रोवेव सेफ बर्तन हो वो आप लीजिए और उसे आप ग्रीस कर लें, ऑयल से, बटर से या घी से, किसी से भी आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ मैं ऑयल से इस बेकिंग डिश को ग्रीस कर रही हूँ जिससे कि ढोकला बनने के बाद बिल्कुल भी नीचे स्टिक ना करे और आसानी से निकल जाए। तो ये हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब सबसे लास्ट हम ढोकले में डालेंगे इनो। यहाँ 1 टेबलस्पून हम इसमें इनो डालेंगे। अगर इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है बेकिंग सोडा या फिर इनो डालने के बाद, बस हल्का सा मिक्स करना है कि इनो अच्छे से पूरे बैटर में मिल जाए, लेकिन ओवर मिक्सिंग नहीं करना है। मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत ही धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही इनो डालेंगे ये हमारा बैटर थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, देखिए। इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बेकिंग बोल डिश में, जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं। जो भी बर्तन हम यहाँ पे यूज़ करें वो माइक्रोवेव सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि इसे माइक्रोवेव करना है वो, और वो भी हाई टेम्परेचर पे माइक्रोवेव करना है। तो ये हम बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं और इसको अच्छे से सेटल कर देंगे। इसके बाद हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव करने के लिए हमें 4 से 5 मिनट लगेगा। इसे हमें हाई टेम्परेचर पर 4 to 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 4 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव किया है हाई टेम्परेचर पे। देखिए अंदर से फूलना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा ढोकला ये अच्छे से बन चुका है। मैं आपको उसको दिखा रही हूँ नज़दीकी से कि देखिए कैसे साइड से इसने अपनी सतह छोड़ दी है, ये बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, अच्छे से पक चुका है इसलिए स्टिक नहीं कर रहा है। इसके बाद हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे।
दो टेबल स्पून ऑयल लेना है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑयल यूज़ किया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, 7 से 8 कड़ी पत्ता और स्प्लिट की हुई ग्रीन चिली। इसको हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर, 1 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया, हरा धनिया। आप चाहें तो धनिया बाद में भी डाल सकते हैं, मैं टेम्परिंग में ही यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है, लगभग 1/4 कप पानी डालना है। एक्चुअली जब माइक्रोवेव में ढोकला बनता है तो पानी थोड़ा ज़्यादा सोख जाता है, तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है जिससे कि हमारा ढोकला सॉफ्ट रहे। तो ये जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा पानी, और ये तड़का हमारा बनके तैयार हो जाएगा, इसके बाद हम इसे पोर कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे तड़का डाल दिया है। इसके बाद हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। मैं देखिए आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा, प्रॉपर स्क्वायर शेप में निकलेगा, नीचे से बिल्कुल स्टिक नहीं करेगा। देखिए कितने आसानी से कट जा रहा है। ये ढोकला उतना ही टेस्टी लगता है जितना कि हम स्टीम किया हुआ खाते हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगता है कि माइक्रोवेव में बना है। टाइम भी बहुत कम लगता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। ये देखिए हमारा ढोकला बनके तैयार है। अब मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी आपके सामने कि देखिए कितना अच्छा बना है, सॉफ़्ट बना है, स्पॉन्जी बना है। ये देखिए कितना आसानी से निकल गया, नीचे बिल्कुल साफ़ है, देखिए बिल्कुल भी स्टिक नहीं किया है। ये देखिए मैं हर तरफ से आपको दिखा रही हूँ कि ये ढोकला कितना अच्छा बना है। खाने में भी टेस्टी है, सॉफ्ट भी है, स्पॉन्जी भी है, हर कोई इसे खाना बिल्कुल पसंद करेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी नए वीडियोस आएँ तो उसका लेटेस्ट अपडेट आपको ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।